भाई यहाँ पे कौन कह रहा है कि एनर्जी क्राइसिस चल रहा है यूरोप के अंदर भाई, यहाँ पे तो फुल फुल यहाँ पे माय हार्ट एंड हिज हार्ट इज हियर इनसाइड ओके वेयर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम इंडिया इंडिया इन द कंटिनेंट इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं एपिसोड 11 की। यहाँ पे आई हैव मीरा, या मीरा फ्रॉम प्राग चेक रिपब्लिक। या यहाँ पे भाई दो दिन पहले यहाँ पे आया, आई एम टेलिंग देम योर स्टोरी। ओह या दो दिन पहले भाई आया यहाँ पे, और यहाँ पे आते ही यहाँ पे पासपोर्ट सारा लैपटॉप सब लगेज भाई का ले लिया। अब ये भाई हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं बट नीचे रह रहे हैं। Like you were sleeping in the lobby, right? Yeah, not sleeping. Like I didn't sleep like for 2 days, but yeah, I will like try to sleep, I guess, somewhere. Lobby में भाई का भी वो सब कट रहा है, तो थोड़ा बहुत बाहर खाने वाने जा रहे हैं यहाँ पे। और you were telling me that you went to the Prague embassy and then those fuckers didn't help you. Yeah, they didn't. The, like the guys on the embassy were like, yeah, fuck off, man. usually what happens is अगर कभी Indian passport खो जाए तो Indian embassy जाओ तो वो अच्छी खासी cooperate करते हैं, help करते हैं, but यहाँ पे Czech embassy जो थी, Czech embassy people they don't give a fuck about Czech people. They Czech just people. Like this happens. I think this usually happens. Like if you come from a अगर अच्छी country का passport होता है ना भाई तुम्हारे पास, तो तुम्हारा एक अच्छा ख्याल रखा जाता है। अगर if same thing would have happened with a German guy, they would have taken a proper care of. Yeah, they'll just pay him a hotel, everything. Just give them a money. Yeah, and they all just like on my embassy they were just like, yeah, we can print you the ticket. इसने बोला कि मुझे घर वापस जाना है तो मुझे टिकट के पैसे नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि किसी से मांग लो टिकट के पैसे, हम तुम्हें प्रिंट करके दे देंगे। yeah. ओ भाई क्रेजी। तो भाई गरीब देश थोड़ा होता है तो पासपोर्ट का ऐसे ही होता है। ये जर्मन के साथ होता है, यूके वाले के साथ होता था, तो उनका बड़ा अच्छे से ख्याल लगा था, ये थोड़ा हो जाए तो समझ रहे हो ना भाई। फिलहाल भाई को भी भूख लगी है, तो व्हाट यू वांट टू ईट? Maybe this burger. Burger? Yeah. चलो बर्गर खा लेते हैं भाई। What? तो भाई यहाँ पे भाई ने दो दिन से खाना खाया नहीं था, तो मैंने कहा भाई को बर्गर खिलाते हैं, भाई का दिन बनाते हैं। Yeah. Okay man, take care, honestly. Yeah. Just get your shit together, man. Yeah. Okay, bye bye. Bye bye. तो भाई अपने हिसाब से जितनी हेल्प हो सकती थी मैंने कर दी भाई। वो मुझे जब मिला तो उसने मुझे कहा कि दो दिन से उसने खाना नहीं खाया, तो मैं कहा आज तुझे बर्गर खिलाता हूँ। बर्गर खा, उसका मूड थोड़ा ख़राब लग रहा था जब मैं उससे बात कर रहा था, तो मैं खा ले पिए मौज कर। बाकी फ़िलहाल अभी मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ जो मुझे अल्बेनिया में मिला था, और अब वो था जर्मनी का, बट अब मैं उससे आज मिल रहा हूँ, तो देखते हैं वो आ गया यहाँ पे, एक बार उससे जाके वो मिलते हैं। तो फिलहाल अभी हम खड़े हैं क्रिसमस मार्केट में, एंड आई मेट पास्कल। We met in Albania. Yes. Hi, people. Albania. How are you? Albania. Saranda में हम मिले थे, यहाँ पे मैं हैं glue wine पीने, यहाँ पे ये apple वाली है, and this is the normal one, right? Yes, the normal one. Good, good, yes. Good. And this is your first Christmas market. My first Christmas market. Yeah. मैं तुम्हारा भाई 11 दिन आए हुए हो चुके हैं यहाँ पे, 4-5 बार जा चुका हूँ। तेरी क्या? It's my fourth time. The last 11 days. Christmas market. Que ha sido la estrella dándole al reggaeton ton ton. सामने जा रही है limousine लंबी काफी. सही गाड़ी है। एंड दिस प्लेस हैज लाइक प्रीटी एक्सपेंसिव कार्स। सही है भाई, लिमोजिन दिखी है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ अ लिमोजिन। कुडम, या कुडम। ये रही भाई, सही गाड़ी है भाई। समडे आई राइड यू समडे। नाइस। तो भाई यहाँ पे कौन कह रहा है कि एनर्जी क्राइसिस चल रहा है यूरोप के अंदर भाई? यहाँ पे तो फुल यहाँ पे लाइटें लूटे सब जल रही है भाई। यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है, इट्स लुक सो गुड। ये सही है, वो सही है, कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं है, बिंदास आओ यूरोप, कोई नहीं है। तो फिलहाल अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे जेडी कबाब करके, पीछे देखो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, यहाँ से स्टार्ट है पूरी वहाँ तक है, काफ़ी सही है। देखते हैं एक बार यहाँ पे जेडी, काफ़ी सही है। लाइन में खड़ा होना पड़ेगा भाई, इसकी फर्स्ट टाइम मैं किसी लाइन में खड़ा हूँ कबाब के लिए। लेट्स सी, लुक्स ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। Vault here, you know what I mean? It's like love. My heart and his heart is here inside, okay? Uh-huh. Enjoy my brother. Where you from? I'm from India. India? Yeah. My brother. Sharika. In the cantina. What the fuck are you doing? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, yeah. German mein kehte hain sehr gut, sehr gut. Good, good.
सही है भाई, जेडी भी ट्राई कर सकते हो, अच्छा शॉप है। फैमिली बेस्ट है ना, फ्रॉम वेयर आई केम फ्रॉम। हां, सो व्हिच वन इज द बेस्ट वन? लाइक स्टर्नबुर्ग इज लाइक वेरी पॉपुलर विद यंग पीपल, इट्स फ्रॉम लाइप्ज़िग बट इट्स द चीपेस्ट वन। जर्मन बियर का यहां पे इंट्रोडक्शन चल रहा है मेरा, लाइक ही इज टेलिंग मी व्हिच पार्ट ऑफ ये बर्लिन से है, ये यहां से है, ये म्यूनिक से है। सही है भाई, कौन सी उठाएं, लाइक व्हिच वन वी शुड पिक राइट नाउ? Berlin one, I would say. Berlin, when in Berlin? When in Berlin? I like the Kinder. Uh-huh. I think I also trust you with this. Hello. Hello. जहाँ पे अभी खड़ा हूँ यहाँ पे, पास्कल भाई ने बड़ी एक सही चीज बताई मुझे कि 2016, yes. In 2016, इस मार्केट में कुछ इस्लामिक टेरर अटैक हुआ था 2016 में, और यहाँ पे ट्रक लेके आ गए थे अंदर, और 13 पीपल डाइड, राइट? 13 पीपल, 13 लोगों की मौत हुई थी उस टाइम पे। और उसके बाद से यहाँ पे क्रिसमस मार्केट के बाहर इन्होंने ये ब्लॉकिंग के लगाए हुए हैं, और यहाँ पे लेजेंड लिखा है यहाँ पे ट्रक ब्लॉक। तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑनेस्टली, आई डिडंट नो, आई ओनली नो अबाउट द चार्ली एब्डो व्हिच हैपेंड इन फ्रांस, या बर्लिन में भी हुआ था भाई 2016 में, तो ये क्रिसमस मार्केट में ट्रक चढ़ा दिया था लोगों के ऊपर, 13 लोग मरे थे। तो अब तब के बाद से यहाँ पे ये बड़े बड़े बोर्ड लगे, सामने पुलिस भी खड़ी हुई है। आई थिंक दिस इज in the whole market, right? Like the whole market you will find these. Yeah. I think so, yeah. To bhai jo log us attack ke andar mare gaye the to unki yahan pe wo lagi hui hai sari photos pictures aur wo sab laga hua hai yahan pe, aur वैसे I think they don't keep it throughout the year, they don't keep it like these pictures just no, only at the christmas time pe, matlab pure saal to nahi rakhte wo sari pictures, but christmas ke time pe thoda rakh dete hain ki unki yaad mein. 19 december 2016 ko hua tha ye wala attack, aur yahan pe ये 13 लोग मारे गए थे। यहाँ पे और ऐसे ट्रक ब्लॉकर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ पे लगे हुए हैं, ऐसी पूरी मार्केट को मतलब ब्लॉक किया हुआ है, तो काफ़ी डेडली अटैक था वो। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे हम पी रहे हैं बर्लिन किंडलर, दिस इज लाइक अ वेरी पॉपुलर एंड द बेस्ट थिंग अबाउट बर्लिन इज लाइक पीपल डोंट केयर, लाइक यू कैन जस्ट रोम अराउंड विद द बॉटल्स, बिकॉज इफ यू डू द सेम थिंग इन इंडिया यू विल गेट अ हेवी फाइन फॉर डूइंग दिस। Yeah. Not in Germany. Not in Germany or not in Berlin? Not in Germany. Germany, you can just do it. Yeah, do it. Trink dein Bier. Drink your beer. Drink how do you say in German? Trink dein Bier. Trink dein Bier, drink your beer. Okay. सही है भाई, मतलब यहाँ पे बड़ा चिल है कि यहाँ पे ऐसे हाथ में पकड़ के कहीं पे घूम घाम सकते हो, बियर वियर पी सकते हो। इंडिया में तो भाई फाइन लग जाता है ना भाई, यहाँ पे मेट्रो में भी आई थिंक इन मेट्रो इन ट्रेन्स यू कैन आल्सो ड्रिंक इट, इट्स नॉट अलाउड बट नोबडी केयर्स, नोबडी केयर्स, ओके। मेट्रो ट्रेन कहीं पे भी जाओ, बियर पियो, चिल मारो, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई इसी के साथ इसी एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। आई नो छोटे एपिसोड आजकल आ रहे हैं थोड़े से, बट क्या ही करें भाई, अभी तुम्हारा भाई नया नया सिटी में मूव हुआ, तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो फिगर आउट करनी पड़ती हैं मुझे ऑफ कैमरा। कैमरे पे जो दिखती है वो 10 या 12 मिनट का ब्लॉग दिखता है, बट इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं। कुछ कुछ चीज़ें इमोशनली भी होती हैं, इमोशनली भी यार पूरा टाइम यू डोंट फील 100%। कभी कभी तुम्हारे ऐसे वीक मोमेंट्स आते हैं कि जहाँ पर तुम्हें लगता है कि यार ओह शिट, आई एम इन अ न्यू सिटी, सब कुछ मुझे खुद फिगर आउट करना है, कभी कभी थोड़ा होता है वो, बट क्या ही कर सकते हैं भाई, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। कभी यू फील लाइक बिल्कुल ऊपर, कभी यू फील लाइक नीचे, कोई नहीं। आई थिंक मेरी जो कोशिश रहती है, जैसे मैं नया सिटी में मूव हुआ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बेड में कम से कम रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहूं, लोगों से मिलूं और कनेक्शंस बनाऊं, और मतलब ये वाली कोशिश सबको करनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो भी बाहर आते हैं। अपने बेड में मत पड़े रहो कि भाई बस ठंड है, ठंड में आई थिंक और जाती है कि बस बेड में पड़े रहो और नेटफ्लिक्स करो, क्योंकि अभी जिस टाइम मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पर अभी 2 डिग्री का टेम्परेचर है, अब 2 डिग्री में किसका मन करता है बाहर घूमने में, बट कोई नहीं, पर दुनिया यहाँ पे रुकती नहीं, तो वही कोशिश है मेरी भी कि बाहर रहो, जितना बाहर रहो अच्छा रहेगा। बाकी सब बढ़िया भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड होपफुली वी विल ट्रैवल वेरी 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 सून। 2-4 बैंक अकाउंट खुल जाए बस मेरा, और एक दो और काम है, वो होते ही ट्रैवलिंग हम थोड़ी बहुत स्टार्ट करेंगे। यही है अभी, बाय।